नमस्कार दोस्तों, साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई को लगने जा रहा है। धार्मिक और वैज्ञानिक नजरिए से ग्रहण की घटना बहुत ही खास मानी जाती है। धार्मिक पहलू से ग्रहण की घटना को शुभ नहीं माना जाता है, जबकि वैज्ञानिक नजरिए से ये एक खगोलीय घटना मात्र है। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का ही जीवन में बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और ऐसे में भगवान की पूजा भी नहीं की जाती है। साल 2022 में दो चंद्र ग्रहण लगने जा रहे हैं। पहला चंद्र ग्रहण मई में और दूसरा चंद्र ग्रहण नवंबर में लगेगा। 16 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस दिन वैशाख पूर्णिमा भी है। ऐसे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे चंद्र ग्रहण का समय और इस दौरान कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, साल का पहला चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में लगने जा रहा है, जिस वजह से इस राशि के जातकों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि पर लगने के कारण इस राशि वालों को खास ध्यान रखने की जरूरत है। वृश्चिक राशि के जातकों को बिजनेस में बाधाएं उत्पन्न होने की संभावना है, इसलिए चंद्र ग्रहण के बाद कुछ समय तक लेन देन न करना ही बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को कई निजी समस्याएं भी झेलनी पड़ सकती हैं। भारतीय समय अनुसार ये चंद्र ग्रहण 16 मई की सुबह 7:02 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। हालांकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा, फिर भी इस दौरान हमें कुछ कार्यों को करना चाहिए और कुछ कार्य वर्जित भी हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान ये कार्य जरूर करें। चंद्र ग्रहण के दौरान हमें अपने आराध्य देव का भजन जरूर करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप भी जरूर करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान दूध, दही, पनीर, अचार, फल और सब्जी आदि जैसे कई सामान में तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए, ताकि इस पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव ना पड़े। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद तुलसी युक्त पानी से स्नान करें। चंद्र ग्रहण के बाद स्नान करके दान देना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय मुंह में तुलसी का पत्ता डालकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो चलिए आगे आपको बता दें, चंद्र ग्रहण के दौरान कौन से काम नहीं करने चाहिए। चंद्र ग्रहण में भोजन नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण काल में किसी नोकदार चीज जैसे सुई, कैंची, चाकू आदि का प्रयोग वर्जित है। चंद्र ग्रहण काल में गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होने के कारण गर्भवती महिलाओं को इसे नहीं देखना चाहिए। इससे उनके और शिशु के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, 16 मई चंद्र ग्रहण के दौरान इन बातों का ध्यान जरूर रखें, ताकि आप पर इसका बुरा असर ना पड़ सके। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।